अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे, ये जलजिला है और बड़ा शदीद जलजिला है। अल्लाह अकबर। बच्चे यहाँ पे इस वक्त सान है 8 अक्टूबर। कुदरती आफात की तबाहकारियां जो आज भी जहनों पर नक्श हैं। मगर मुश्किल घड़ी में सारी कौम यकजा हुई और सबने बिला तफरीक बढ़ चढ़ कर जज्बाए एहसास के साथ जल्जला मुतासरीन और तामीर नौ में हिस्सा लिया। सानहे 8 अक्टूबर, कुदरती आफात से निपटने और कौमी तामीर नौ का दिन। सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो ऐवान से अवाम तक। 8 अक्टूबर 2005, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी जब तक वो जिंदा है ये दिन और ये तारीख भूल नहीं सकता। और खासतौर पर वो लोग, मैं रिलेट कर रही हूँ उससे, उस आने वाले उस आफत से, उस मुसीबत से और उस जलजले से जिसमें एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और खासतौर पर वो लोग, हम लोग तो वो हैं जो कि उस समय मीडिया का हिस्सा थे, हमने इस चीज़ों को कवर भी किया था, लेकिन वो जो उसके विक्टिम्स थे, वो जो है जो सर्वाइवर भी हैं, बहुत सारी चीजें उसके अलावा जिन्होंने उस दिन वो मदद को पहुंचे, उन्होंने वॉलंटियरली इतना काम किया, इतनी खिदमत की। उस दिन हमें अंदाजा हुआ कि हम एक कौम है। उस दिन मुझे उस दौरान, उसके बाद उस जज्बा जगाने वाले लोग वो पाकिस्तान के हीरोज हैं, हमारे हीरोज हैं। उनमें काम करने वाले लोग, मदद को दौड़ने वाले लोग, मदद करने वाले लोग, मतलब एक ना खत्म होने वाली कहानियां। उसके बाद जो असल चीज आती है वो ये आती है कि किसके कौन रहा कौन नहीं रहा, किसके सर से छत खत्म हो गई, उसके सर का साहिबान नहीं रहा, फिर उनकी जिंदगी किस तरह से गुजरी। लेकिन मैं फख्र करती हूँ आज पाकिस्तानी होने पर, इसलिए कि हमने उनको भी अकेला नहीं छोड़ा, आज तक अकेला नहीं छोड़ा। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं और आज का प्रोग्राम तरतीब देने का की वजह भी यही थी कि हमारे पास वो हीरोज यहाँ पर हैं, वो सर्वाइवर्स यहाँ पर हैं जिनकी एक लंबी कहानी है, किस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी और क्या क्या उनकी उसके बावजूद अचीवमेंट थी कि उनके जो सर से उनकी छत नहीं रही, उनके वालिद का साया उनके सर पर नहीं रहा। और साथ के साथ वो हीरो भी हैं जिन्होंने इंडिविजुअली आगे बढ़ा और जिस तरह से उन्होंने दिन रात एक करके मदद की, पूरे पाकिस्तान को एक कौम बनाया। मैंने यहाँ पे एक फख्र का नाम यूज किया था और नो डाउट मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी कह रही थी कि आपके वालिदैन ने आपका नाम बड़ा सोच समझ के रखा है, फख्र आलम साहब उनमें से एक थे और जिनके साथ हमने शुरू में ट्रांसमिशन की थी, जिन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फख्र, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। और सबसे बड़ी बात है कि यू आर हेयर, कि हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो तमाम चीजें आप तो कभी नहीं भूल सकते, कोई नहीं भूल सकता, लेकिन रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ औरंगजेब असरी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जिनको अगर हम मैं कहूँ कि जलजिला मुतासरीन में से उस वक्त है, लेकिन बहरहाल सर्वाइवर भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन खुबैब फाउंडेशन जो कि 99 में बनी, उसके बाद उन्होंने जो एक सफर किया वहां पे ऑर्फनेज थे, उन्होंने इन बच्चों को वहां पर लेकर आए। और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ उनकी जिंदगी बस उनको गुजारने के लिए उनको एक छत दे दी, उनकी बाकायदा तौर पर तरबियत हुई, उनकी बाकायदा एजुकेशन हुई, उनकी ट्रेनिंग हुई और इन बच्चों की आज अचीवमेंट्स हैं, वही हमें दिखानी है और हमें बतानी है और अपना सर फख्र से बुलंद करना है, बीइंग अ पाकिस्तान। औरंगजेब असरी जी, औरंगजेब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। औरंगजेब उस वक्त 9 साल के थे जब आप यहाँ पर आए और ये सिलसिला हुआ 2005। वेल, उसके बाद हमारे साथ आसिया हबीब यहाँ पर मौजूद है, छोटी सी क्यूट सी बच्ची। आसिया उस वक्त 1 साल की थी और जब ये वाकया हुआ है डेफिनेटली इनकी मेमोरीज में वो नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी तरह सफर तो रही। राजदा दोहत साहब हमारे साथ यहाँ के मौजूद है, वो भी फिलैंथ्रोपिस्ट है, सोशल वर्कर है, वहां पे ऑन ग्राउंड रोल के बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ देखा। ये तमाम चीजों पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अलाउ मी टू स्टार्ट विद फख्र। फख्र जिस वक्त, अच्छा हम जब कराची में थे, यू आर ऑल्सो इन कराची,
पहले तो पता चला ना कि सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ है, ये तो कश्मीर वाली चीज तो बाद में आई, वो क्या चीज थी जो आपने सोचा कि नहीं आई शुड गो देयर आई शुड हेल्प देम? ये सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत बहुत सलाम। सुबह जब ये न्यूज ब्रेक हुई तो आपको याद होगा कि सारा जो फोकस था वो मरगला टावर्स इस्लामाबाद पर था, क्योंकि वो बिल्डिंग गिर चुकी थी और लोग ये समझ रहे थे कि यहां तक जो है वो डैमेज है। ऊपर से खबर नहीं आ रही थी, चूंकि अगर आप याद करें तो सेल्युलर टावर्स वगैरह सब गिर चुके थे, बहुत कम जगहों पे मोबाइल फोन के सिग्नल मौजूद थे, जहां से अगर कोई सर्वाइवर था और उसके पास मोबाइल फोन था तो उसने, और उसका कोई जानने वाला लोअर ग्राउंड पे मौजूद था यानी फ्लैट्स की तरफ मौजूद था, पंजाब या कैपिटल या किसी बड़े शहर में, तो उसने रابطہ किया या बताया कि यहां पर क्या तबाही हुई है। और अगर याद करें तो वो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, तो तस्वीर आपको मोबाइल भी कम थे और वो टेक्स्ट मैसेज का जमाना था, तो कोई तस्वीर भी नहीं जो थी ना मौसूल होनी थी। तो जब ये हो गया सुबह सुबह, जब ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने देखी, तो कुछ देर, कोई एक डेढ़ घंटे के बाद जो मेरे घर पे एक डोमेस्टिक जो हमारा स्टाफ था, वो उसका ताल्लुक आजाद कश्मीर से था, उसने वो आया, वो अजीब उस हवाइयां उसकी उड़ी और वो थोड़ा इमोशनल हुआ हुआ। उसने कहा जी मुझे तो ये खबर मिली है, फोन बड़ी मुश्किल से किसी से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं कि मेरा पूरा गांव जो है वो खत्म हो गया है। मैं उस वक्त मैंने कहा कि पता नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर ऐसी बात होती तो टीवी पे नजर आ चुकी थी, ब्रेकिंग न्यूज तो चल रही थी इस्लामाबाद की। तो फिर मैंने रابطہ किया अपने कुछ दोस्तों से अफवाज पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा यार हमें बड़ी शदीद खबर मिल रही है अप नॉर्थ से, मामला ज्यादा गंभीर है। मैंने अपने जो स्टाफ था उसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने गांव के लिए रवाना हो जाओ फौरन से, पहले अभी यहां से चले जाओ, बल्कि जाने से पहले एक काम करो यहां से कुछ इमदादी सामान भी ले जाओ। फिर मैंने कहा बल्कि एक काम करो एक ट्रक लेकर आओ, और मैंने अपने दोस्तों से फोन किया कि यार इसका गांव वहां पे पूरा तबाह हो गया, तो जो जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं करने, तो हम पूरा ट्रक रवाना कर देते हैं। वो कहानी ट्रक से शुरू हुई, मैंने दोस्तों को मैसेज किया और जो मैं लोगों को मैसेज कर रहा था साथ साथ में खबर जो थी वो बड़ी होती जा रही थी, सबको अंदाजा होता चला जा रहा था कि ये कितनी बड़ी डेविस्टेशन है। इसलिए लोग मुझे फोन करें यार मैं भी सामान देना चाहता हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा ये ट्रक का तो सामान नहीं है, मैंने कहा कि ये तो फिर कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिर मैंने पाक फजाइया से रابطہ किया, पाकिस्तान एयरफोर्स से, मैंने कहा जी कुछ 730 वगैरह मिल सकता है, हम बहुत सारा सामान आपको दे देंगे, इसको वहां जरूरत होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें जरूरत होगी। तो मुझे कहा गया कि आप एयरफोर्स म्यूजियम पे आकर जो है वो यहां पर पहुंचा दें सामान। तो मैंने कहा जी, फिर मैंने सबको कहा कि आप एयरफोर्स म्यूजियम पे मुझे मिल लें और वहां पे सामान पहुंचा दें। और वो जो सिलसिला है कराची के लोगों का जज्बा, जिसने पूरी कौम को चार्ज कर दिया, उस अजमत को मैं सलाम करता हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं एक बड़ी अजीम कौम का हिस्सा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोगों का वो है। बट द डेविस्टेशन दैट वॉज, वो आपको पता है 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे जो है वो इस जलजले में, 100,000 प्लस डेथ जो फिगर आती है, जो ऑफिशियल फिगर आती है वो 1 लाख से ऊपर की है, और ना जाने बहुत सालों का तो वो नहीं। चूंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं फिर 15-16 दिन वहां एयरफोर्स म्यूजियम का करके जब इलाकों में पहुंचा, वहां से मैं यहां आ गया, कोई 32 डॉक्टर्स का एक वॉलंटियरी ग्रुप था, उन्होंने कहा जी आपके साथ हम चलेंगे, आप बताएं हम कहां जाएं। जब यहां पहुंचे तो यहां पर अंदाजा हुआ कि डेविस्टेशन, जब आप वहां जाके खड़े, जब बालाकोट के आप सड़क पे जाके खड़े हुए ना, तो जो बदबू आ रही थी ना, किस चीज की बदबू थी? म्यूटिलेटेड बॉडीज की, क्योंकि वो मलबे के नीचे दबी हुई थी। और वो यूं नहीं है कि बालाकोट के अंदर गाड़ी जाने से, वो जब बाहर वहां पे हमने रोका ना, मैंने कहा यार ये ऊपर से देखो, क्योंकि अभी हम उतरे नहीं थे प्रॉपर उसके अंदर, तो वहां पे वो स्मेल आ रही थी। उन्होंने कहा जी ये वो स्मेल है, यू नो जिसकी वो, तो मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी तो एक तो था ही था कि जो हमारे पाकिस्तानी जो कौम पूरी खड़ी हो गई, उससे ज्यादा बहसियत इंसान मुझे इससे बड़ा रियलिटी चेक जिंदगी में नहीं हुआ कि इंसान की कोई औकात नहीं है। हम पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि हम पता नहीं इतने बड़े फन्ने खान हैं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। औरंगजेब, 9 साल के थे आप, कितनी मेमोरीज आपकी आज भी फ्रेश हैं? फ्लैशबैक्स आते हैं या आपको लगता है कि नहीं सब आपको अभी भी याद है, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल मुझे क्लियर याद है कि वो वाकया मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा और मुझे बिल्कुल फ्रेश मेमोरीज है मेरी। मुझे अभी तक याद है कि क्या हुआ था। हमारा इंग्लिश की क्लास हमारी चल रही थी और जलजला आ गया था। हम भागते भागते नीचे आए, ग्राउंड में आए, और हमारे साथ वाली बिल्डिंग गिर गई। स्कूल की? जी स्कूल की, जो हमारी सीनियर, जो हमारा सीनियर ब्लॉक था वो गिर गया। अब वहाँ पे ये हुआ था मैम के जब जलजला हुआ तो सारे अनकॉन्शियस हो गए थे और बच्चों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। अब जो बंदा ऊपर से 7th फ्लोर से छलांग लगा रहा है डर के, तो उस बेचारे ने क्या करना है,
उसकी तो गई डेथ हो गई, तो छलांगे लगानी शुरू कर दी। टीचर्स ने छलांगे लगानी शुरू कर दी, हम लोग नीचे ग्राउंड में खड़े थे। तो तबाही मची हुई थी, तबाही मची हुई थी, चीखों पुकार थी। और आपके फादर की उसमें डेथ हुई? मेरे फादर की उससे पहले डेथ हुई थी। अच्छा, उससे पहले हुई? मेरे फादर की उससे पहले डेथ हुई थी। हमारा मकान उसमें गिर गया था, बिल्कुल तबाह हो गया था। तो ये खुबैर फाउंडेशन आप उसके बाद आए? जी, मैं खुबैर फाउंडेशन उसके बाद आया। और फिर आप अब तक वहीं पर हैं? जी, मैं अब तक खुबैर। आज कहाँ पे खड़े हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि खुबैर फाउंडेशन की मेहनत की बदौलत मैं इस टाइम मास्टर कर रहा हूँ मीडिया प्रोडक्शन में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाकया, मैं ये समझता हूँ कि ये आफात आती हैं बंदे को निखारने के लिए। और उस वक्त जो जज्बा था, लोगों का जज्बा था, जैसे फख्र साहब ने बात की कि पूरी कौम खड़ी हो गई थी, और उस वक्त कश्मीरी अवाम का भी ये जज्बा था कि वो एक शेर है कि मस्तहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और उन्होंने वो सबूत दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मान दे, अगर एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरे जिस्म उस दर्द को फील करता है। तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी आदमी के साथ, पूरी कौम। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपकी बातें सुन के ना बिलीव नहीं किया, मुझे ये फील हो रहा है कि हम ये सोचते हैं ना कि किसी का बाप नहीं है तो पता नहीं बेचारे बच्चे क्या होगा, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा, ये कैसे कुछ बनेगा। लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह है। ऐसे लोगों को देख कर, इनके जज्बे को और इनकी बातों को सुन के वाकई फील होता है कि कुछ तो है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। आसिया, आप एक साल की थी? जी, मैं एक साल की थी। और जब आप यहाँ पर आई हैं खुबैर फाउंडेशन पे आई? जब मैं खुबैर में आई तब मेरी उम्र 7 साल थी। अच्छा, जब आप खुबैर में आई तो आपकी उम्र 7 साल थी। और आपके फादर की डेथ इस सिलसिले में हुई, तो फिर आपकी मदर ने ये सोचा कि अब आपको नहीं हम एजुकेट कर सकते? कोई सहारा नहीं था ना, हमारा घर टूट गया था सिलसिले में। तो फिर खुबैर की टीम आई थी, उन्होंने हमें सहारा दिया खुबैर फाउंडेशन, और उन्होंने हमें तमाम सहूलियात मैसर की। मेरी अम्मी को रहने के लिए घर दिया और वही हमें खुबैर फाउंडेशन में ले आए थे। फिर एक छत दी, उस छत के नीचे हम अपनी जिंदगी, हमने वहीं से अपनी पढ़ाई का आगाज किया। यहीं खुबैर में आके मैंने पढ़ना शुरू किया था और आज तो फिर बहुत आगे निकल आई हूँ माशाल्लाह से। आज तो मैं 3 सालों से नेशनल चैंपियन हूँ पाकिस्तान में अपने वेट में। गोल्ड मेडल चैंपियन फॉर टाइकोंडो। टाइकोंडो, और उसके अलावा भी मैंने मैट्रिक क्लियर की है सरगोधा से, अभी यहाँ इस्लामाबाद में फर्स्ट ईयर पढ़ रही हूँ। कोई इनको देख के कहेगा कि क्या एक बैकग्राउंड रहा, क्या चीजें रही? राजदा साहबा, आपने भी ऑन ग्राउंड काम किया, आपके सामने भी ये तमाम चीजें होंगी, आज कितना फख्र महसूस कर रही हैं? फख्र आलम तो कह ही रहे, मगर ये दोनों बच्चे, इन दोनों बच्चों पे आप कितना फख्र? बहुत ज्यादा। मैं इस इलाके में, वैसे मेरा ताल्लुक कराची से है मगर मैं इस इलाके में 1989 से काम कर रही हूँ और मैं अभी भी वहीं पे काम कर रही हूँ। तो बहुत बहुत ही खुशी होती है आसिया जैसी बच्चियों को देख के, क्योंकि हमने बहुत से खानदानों को बिल्कुल तबाह होते हुए भी देखा हुआ है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अब भी जो है लोग मुंतजर है कि स्कूल वापस बन जाए, अब ये चूज वापस बन जाए। तो अगर जब आसिया जैसे बच्चों को देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। एक फखर साहब ने बात की और औरंगजेब साहब ने भी, कि बहुत सारी बातें बालाकोट में यकीनन होती थी, बहुत तबाही हुई बालाकोट में। और क्योंकि बालाकोट एक थोड़ा सा निस्बतन अर्बन इलाका है, तो उसमें बिल्डिंग्स थी और बिल्डिंग्स गिर गई थी। तो जब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो उसकी जो विजुअल एक पिक्चर होती है वो बहुत ज्यादा मुतासर करती है। और जाहिर है वहां अम्बात भी बहुत ज्यादा हुई क्योंकि बिल्डिंग्स जो है वो गिर गई थी। मगर अहम बात यह थी, हम क्योंकि बहुत से बहुत दूर दराज इलाकों में जो गांव-गांव में काम करते, आपको याद होगा कि रमजान का ये वक्त था और हमारे इलाकों में थर्ड रमजान था अगर मैं बिल्कुल, और ये जो हमारे इलाकों में ना ये घास कटाई का वक्त होता है, तो लोग फिर सहरी करके वापस घरों में नहीं जाते, वो घास काटने चले जाते हैं। तो अमवात बहुत से दही इलाकों में निस्बतन कम हुई थी, मगर ज्यादा अहम बात यह है कि जो कच्चे घर होते हैं, और हमारे दही इलाकों में लोग अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो घरों में ही रखते हैं, वो कहीं बैंक में नहीं रखते हैं। अगर बेटी का जहेज किया हुआ है या कोई भी चीज है, तो वो सभी कुछ गिर गया था। मैं अभी किसी से बात करी
रही थी कि मुझे एक खातून याद है, बिल्कुल शौक में वो बैठी हुई थी। मकरवाई एक गांव है एबटाबाद जिले में, और उसने मुझे ये कहा कि बाजी मेरे, मैं उसको थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि चले हम लोग आपके साथ हैं और देखें आपकी जान तो बच गई है, ये वो उस किस्म की बात। तो मुझे कहने लगी कि बाजी मेरे घर में तो सुई भी नहीं बची हुई है। तो वो जो चीज़ें हैं, जाहिर है जैसे आपने अपनी ओपनिंग में कहा, वो ऐसे तजुर्बात है, ऐसे हमारे सामने मनाजिर है जो हम जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकते। अगर आप जब ऑन ग्राउंड थे, इवन बालाकोट या फिर कश्मीर, जो ऐसे वहाँ पे बच्चे थे, अब उनके पेरेंट्स जो थे, अमूमन ये होता है कि ऐसे मौकों पे माँ बाप को अपनी फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों की फिक्र होती है, बच्चे इधर उधर भी हो गए थे, आपस में मिल भी नहीं रहे थे, तो उस वक्त क्या माहौल था? मतलब देखिए, मैं 15वें दिन पहुंचा था, दो हफ्ते के बाद था, क्योंकि मैं उससे पहले एयरफोर्स म्यूजियम कराची में था। तो 15 दिन बाद भी जो थे ना, लोग मलबे से निकल रहे थे, मिल रहे थे, जिंदा लोग मिल रहे थे, दो तीन तो जो मैं फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व था। और उस वक्त तक लोग मलबे के नीचे, मैं आपको ये बता सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह करता हूँ, देखिए ना हमारे पास कटर्स थे, ना हाइड्रोलिक लिफ्टर्स थे, इतनी तादाद में हो ही नहीं ना सकता, जो आधा एक पूरा खत्ता जो है आपका वो बैठ गया है, कॉन्क्रीट का जंगल जो है पूरे का पूरा बालाकोट जिस तरह था वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स कलैप्स करी। अब जब तक आपके पास स्प्रेडर्स हाइड्रोलिक लिफ्टर्स नहीं होंगे तो आप निकाल नहीं सकते। तो जो लोगों ने बताया कि जी यहां से अभी भी आवाज आ रही है, अब 17वें दिन आपको कोई बोले कि जी यहां से आवाज आ रही है तो आप कहेंगे पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। फिर अब कान लगाए तो कहीं से आती थी, कहीं उन्होंने कहा जी पहले 5 दिन तो बहुत आवाजें आती थी इस बिल्डिंग के अंदर से, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सब बंद हो गई, खत्म हो गई, इंतजार करते रहे। नहीं जी, कैपेसिटी, ये किसी का कसूर नहीं है, बस कैपेसिटी नहीं थी ना, चैलेंज था कैपेसिटी का। करते हुए इन्होंने अभी बड़ी जबरदस्त बात की कि उसने कहा जी मेरे घर का तो कुछ भी नहीं बचा। हमने एक गांव में, ये उगी पारस की साइड से होते हुए पगडंडियों पे चढ़ते हुए डॉक्टरों के साथ में कहीं पहुंचे, तो वो छोटा सा वो जो नहीं होता, 6 घर बने होते हैं ना, वो सारे देखा, वो सारी फैमिलियां 18-19 दिन वही, बच्चे जख्मी, गैंग्रीन हो गई, टांगे एम्प्यूटेट होनी है, क्योंकि वो इनकी वो लकड़ी की छतों का वो जो लगा होता है वो जब गर्डर टाइप की चीज गिरी तो वो सारा वो हो गया। तुमने कहा आप इनको लेके नीचे क्यों नहीं उतर रहे, यानी कि वो तो वो हमें के आगे से हमारे बर्तन दफन हुए हैं यहाँ, यानी कि मैं अपनी, इन्होंने कहा ना कि उनकी सारी जमा पूंजी क्या है, उनके बर्तन, उनके घर में जो थोड़ी चीजें छोटी मोटी लाइफ स्टॉक, वो उसको छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। तो एक बड़ी अजीब सी ह्यूमन ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके अंदर से फिर ये रेजिलियंस की आउटस्टैंडिंग कहानियां आपके सामने आती है ना देखने के लिए। तो मैं आज हम याद कर रहे हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन हमें उसमें से क्या चीज याद रखनी चाहिए, सबसे ज्यादा वो याद रखनी चाहिए कि हम कौन सी कौम है। और मैं इल्तिजा करूंगा तमाम लोगों से जो आप लोग देख रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर, ये हमें बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें बांटने की कोशिश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर हमें बटना नहीं है, हमें एक साथ, जिस तरह आप 8 अक्टूबर 2005 को कौम बने थे, रोजाना वैसी ही कौम चाहिए हमें, हमें उस कौम की जरूरत है। ट्रेजेडीज का सिलसिला यूं भी है कि हम एक स्कूल पे पहुंचे तो हमने देखा वो बहुत सारे लोग जो है वो रो रहे हैं और लगे हुए, उनको क्या हुआ, छोटी छोटी सी हथौड़ियां लेके वो कॉन्क्रीट की स्लैब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों जी, बच्चे यहां पर अभी तक दफन है। जब हमने फाइनली बड़ी मुश्किल से उसको कोई 2 दिन लगा के थोड़ा इक्विपमेंट लेकर आए, क्योंकि पूरी छत बैठी थी ना, तो वो एक पीस में कॉन्क्रीट बैठ गई थी स्कूल की, जो हमने फाइनली तोड़ के निकाला अंदर से, तो वो बच्चे जब निकले वो म्यूटिलेट हो चुके थे, बॉडीज जो थी सारी म्यूटिलेट हो चुकी थी, और वैसे भी दबी नहीं इतने अरसे, तो अब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कोई पहचान ना सके पेरेंट्स के, किसका बच्चा किसका बच्चा है। तो फिर एक वहां के बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा भाई जिसको जो बच्चा मिले अपना बच्चा समझ के जाके इसका कफन दफन का जो है ना बंदोबस्त करें। बट इसमें से, इस ट्रेजेडी में से एक अजीम कौम जो थी ना उभरी थी। और मैं अगेन फिर एम्फेसाइज करूंगा, हमें लड़ाने के लिए, हमें बांटने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई जरूरत नजरिया लेके आ जाते हैं, कोई कुछ लेकर आ जाते हैं, कोई कुछ लेकर आ जाते हैं, ये मुझे ये हजम नहीं होता अब। और मैं इल्तिजा करता हूं कि इस ट्रेजेडी से सीखें, तारीखी ट्रेजेडी से सीखें, नेशनल डिजास्टर ये 2005 के जलजले की ट्रेजेडी से सीखें कि हम एक कौम बन सकते हैं, हम अपने तमाम डिफरेंसेस साइड पे रख कर बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा औरंगजेब, आप तो 9 साल के थे, तो ज़ाहिर 9 साल के बच्चे को तमाम शऊर भी होता है, उसकी मेमोरीज,
कितना मुश्किल था अपने माँ बाप को, वालिद आपके पहले ही नहीं थे, तो वालिद के बाद बेटे तो वैसे ही माओ के लिए बड़ा एक सहारा और माओ को एक बड़ा सहारा होता है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए भी और आपकी माँ के लिए भी, वालदा के लिए भी, कि आपकी आला तालीम के लिए, आपकी बेहतर तरबियत के लिए आपको कुबैक फाउंडेशन भेज दें? जब ये जलजला आया था मैम, उसके बाद हमारे गांव ये खबर गई थी कि मैं और मेरा जो भाई थे, दोनों हम एक ही जगह पर थे, कि उन दोनों की डेथ हो गई है। और हमारे घर में, गांव में, आप स्कूल में थे? जी जी, मैं स्कूल में था। लोग जमा होने शुरू हो गए थे, जो आ रहे थे वो जमा होने शुरू हो गए थे। अच्छा। इनके तो दोनों बच्चे, इनके दो बच्चे थे और दोनों की डेथ हो गई है। तो वो फिर दूसरे तीसरे दिन जाकर इनकी खबर मिली कि नहीं, वो जिंदा है। तो आप कहाँ रहे दो तीन दिन? हम बाहर ग्राउंड में, एक कंबल था, कंबल को लिया हुआ था। हम तकरीबन 9 लड़के थे, हम वहीं पे उस एक कंबल के नीचे, और रात को बारिश, वो गीला भी था कंबल, फिर भी हमने ऊपर लिया हुआ था और हम रह रहे थे। फिर दूसरे तीसरे दिन ट्रक आने शुरू हो गए थे, जिनके ऊपर ये दूध था और ब्रेड वगैरह थे, वो फेंकते थे, इस तरह जाते हुए फेंकते थे। तो फिर हमें जैसे, यानी कि तकरीबन मुझे ये याद है कि हमने दो तीन दिन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बिल्डिंग गिरी हुई थी और हल्के हल्के झटके जलजले के आ भी रहे थे। जी, आपने घर जाने की, कितना दूर था घर आपका वहाँ से? घर काफी दूर था, दो तीन गांव दूर था, और स्लाइडिंग भी हुई थी, तो आप पैदल जा भी नहीं सकते? नहीं, पैदल नहीं जा सकते थे। और एक तो हम छोटे थे, शॉक भी हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया, और कोई वहाँ पे सहारा भी नहीं था। टीचर वगैरह चले गए थे, किस नफ्सो नफ्सी का आलम था, कयामत का मनाज़िर थे ना ये। चले गए सब अपने अपने घरों को, अपने ढूंढ रहे थे, अपने भाईकीन को ढूंढ रहे थे लोग। अब एक टीचर हमें पढ़ा रही है, उसके बच्चे किसी और स्कूल में, वो डेफिनेटली हमें छोड़ के तो अपने बच्चों की तरफ जाएगी। तो टीचर चले गए थे और जो करीब के बच्चे थे वो भी चले गए थे। जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें जो बच्चे थे वो दफन थे। मैं बयान ही नहीं कर सकता मैम के क्या मंजर था। और उसके बाद जो शेर का मंजर था, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, उनकी डेड बॉडी सड़कों पे पड़ी हुई है। मुझे फखर साहब ने बात की कि ये 15 दिन बाद आए, जो आप सोचें कि इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें कितना दर्द और दुख और क्या सूरत हाल है। जो दूसरे तीसरे दिन कहानी थी, लोग अंदर से आवाजें देते थे कि खुदा के लिए निकालो, पूरी जायदाद ले लेना आप मेरी। लोग पूछते ही नहीं थे, सारे रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे, भाईजान बताएं आप, आपके साथ मेरा भाई है तब मैं निकालूंगा, वरना मैं निकालूंगा ही नहीं। तो ये सूरत हाल थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर कितना मुश्किल था कि आपने अपनी वालदा को छोड़ा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उसके बाद ये था कि एक बच्चा जो जिसको अपना मुस्तकबिल बिल्कुल घटा टूट अंधेरों में डूबा हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद उसने एक इनिशिएटिव लेना है कि उसने अपना मुस्तकबिल बनाना है, फिर परदेश काटना है, वालदेन को छोड़ना है। तो फिर मैंने ये फैसला लिया, मेरे लिए फैसला मुश्किल था। आपका अपना फैसला था? मेरा अपना फैसला था। अच्छा। कि मैंने देखे, पहले बाप का सहारा नहीं था और अब घर भी नहीं रहा, तो अब किसी न किसी को तो प्रदेश काटना था, मम्मा को अकेला छोड़ना था। तो इसके लिए मेरे लिए अल्लाह ने जो उस टाइम मसीहा बना के भेजा, खुबैक फाउंडेशन को भेजा। मैम, कफालत करना एक होती है, कफालत करना एक कफालत इस तरह करना कि हमारे जो चेयरमैन साहब है वो एक बात कहते होते हैं कि बेटा तुम कभी ये मत सोचना कि तुम ऑर्फन थे, तुम कभी भी ये मत सोचना, और तुम ये कभी ना सोचना कि तुम जिंदगी एज अ मिडिल क्लास, एज अ नॉर्मल, यानी कि मेंबर ऑफ सोसाइटी गुजारोगे। यू विल लीड द उम्मा, तुम तो उम्मत को लीड करोगे इंशाल्लाह। तुम तो अब एक यतीम बच्चे को कहाँ से उठाकर और उसके लिए एक किरण बनकर, मुस्तकबिल की किरण बनकर, जब आप उसे ये दर्स देते हैं कि आप परेशान ना हो, आप तो लीड करोगे, आप तो कंट्री चलाओगे इंशाल्लाह, तो उस बंदे का जज्बा कहाँ तक पहुंचेगा? और यही वजह है जो आज आप, जी बिल्कुल यही वजह है। और मैंने एक और बात भी की थी कि मैम, मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा माजद के साथ कि आज यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में बच्चे जिनके वालिद देन हयात हैं, अल्लाह उन्हें हयात रखे, वो रश करते हैं कि यार आपको कितनी फैसिलिटीज दी हुई है, अल्लाह ने आपको कहाँ तक पहुंचाया है। हमारे वालदेन होते हुए हम ये मकाम हासिल नहीं कर सकते। तो ये चीजें सुन के हम, वो जो तंगियां थी, वो जो मुश्किल थी, उसमें जी कमी आती है, कमी आती हम कोशिश करते हैं कि हम भुला दें। अच्छा आसिया, आप क्योंकि बेटियां वैसे भी माओ के साथ आ रहे हैं, बेटों की अटैचमेंट अलग होती है, बेटियों की अटैचमेंट भी माओ के साथ अलग होती है, और बेटियों को जरूरत भी होती है बहुत ज्यादा माओ की, तो आप मिस करती हैं अपनी फैमिली, कितना फ्रीक्वेंट अपने घर जाती हैं?
या लगता है यही वेब फाउंडेशन ही मेरा घर है? जब मैं वहाँ से आई थी हुबैब फाउंडेशन में, तो तब तो हम बहुत छोटे थे, हमें यहाँ से ले आए थे हुबैब, चेयरमैन ऑफ हुबैब फाउंडेशन मिस्टर नदीम अहमद खान, जब ही हमें यहाँ पर लेके आए तो उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत और शफकत से पाला, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि हमारे वालदैन नहीं है, हमने ऐसे की कभी महसूस नहीं किया। और इन्हीं की शफकत में जब हम अभी इतने बड़े हो गए तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और वैसे भी जब हमारे मुल्क में चेयरमैन साहब जैसे मिस्टर नदीम अहमद खान जैसे, और जैसे अभी इस साल बात करते हैं कि उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, इन जैसे लोग मौजूद होंगे तो फिर हम किसी की कमी महसूस करेंगे? हमें तो बहुत फख्र होगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो हमारी मदद करेंगे। और कितनी बहन भाई हैं जो आपके अभी भी वहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं? मेरी चार बेटे हैं, हम चार बहनों को ये लोग हुबैब फाउंडेशन में ले आए थे यहाँ पर, हमें उन्होंने तालीम दी यहीं पर और यहीं पर हमें प्रॉपर मार्शल आर्ट सिखाई। पहले हम चारों वहाँ सरगोधा में पढ़ती थी, हुबैब फाउंडेशन सरगोधा में, फिर अभी वहाँ से मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ मैट्रिक करने के बाद, और मेरी तीन बहनें सरगोधा में पढ़ती हैं। तीन बहनें अभी भी इसी हुबैब फाउंडेशन जी, हम चारों हुबैब फाउंडेशन में पढ़ती हैं। आपके यहाँ आने की वजह क्या थी कि आपके वालिद का जलसले में इंतकाल हो गया था, आपकी वालदा कफालत नहीं कर सकती जी, मतलब वो बेसहारा हो गई थी उस तरह, और कोई सहारा नहीं था हमारा, घर का खर्चा वगैरह चलाना इस तरह मुश्किल हो जाता है, तो ये वजह थी। क्या रूटीन होता है आपका यहाँ पे इस फाउंडेशन में, हुबैब फाउंडेशन? यहाँ पर हम सुबह उठते हैं, हमारी प्रॉपर रूटीन है यहाँ पर, हम सुबह उठते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग नमाज पढ़ते हैं कुरान पाक की तलावत डेली, फिर उसके बाद हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, नाश्ता करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं स्कूल, स्कूल से 2 बजे वापस आते हैं हम लोग, वापस आने के बाद दोबारा यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किए, अपने लंच किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद हम ट्यूशन जाते हैं 4 या 5 बजे, वहाँ से छुट्टी हुई, फिर आए असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद हम जाते हैं ताइक्वांडो क्लास में, फिर मगरब तक हमारी क्लास होती है ताइक्वांडो की, प्रॉपर क्लास होती है, और उसके बाद फिर हम मगरब की नमाज पढ़ने के लिए वापस आते हैं, आके नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की तलावत, उसके बाद दोबारा 7 बजे, और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया और स्टडी जिससे कर रही है अपनी स्टडी वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। टीवी टाइम, कोई एंटरटेनमेंट टाइम है? एंटरटेनमेंट टाइम है, जिन बच्चों ने टीवी देखनी होती है, मतलब ये होता है कि बच्चे कुछ हैं जो टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो फिर जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, जिन्होंने टीवी देखना होता है वो टीवी देखते हैं, कुछ खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं जाके प्ले ग्राउंड में प्रॉपर वहाँ पे, फिर वो खेलते हैं वहाँ पर। ठीक है। अच्छा राजा साहब, आपका अपने फैमिली से भी रब्ता होगा ना, क्योंकि बीइंग अ वुमन आपका इंटरेक्शन ज्यादा इजी होता होगा, एक्सेस भी इजी होती होगी, तो वहाँ पर वो खवातीन जिनके जैसे इन जैसे माओ के हैं, जिनके घर सहारा कोई भी नहीं रहा, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था वो जिंदगी गुजारना, और किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया, अपने आप से बच्चों को दूर कर देना, शौहर भी नहीं थे, बच्चों को भी दूर कर देना। खास तौर पे देखें नादिया, हमारा जो इलाका है ना, इसमें ज्यादातर बारानी एरिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, थाईलैंड तक जाते हैं काम करने के लिए, तो हेड ऑफ फैमिली मोस्टली खवातीन ही होती थी उधर, और फिर आए लोग, मगर फिर उसके बाद सारी इन्होंने जद्दोजहद की। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने फिर हाउस बिल्डिंग के लिए सब्सिडी दी, उसकी उसके लिए भागदौड़ करना और सारा कुछ करना, मगर एक मैं अगर आपकी इजाजत हो, जो साहब ने बहुत अहम बात की कि इमदाद अगर जैसे हम लोग हमारा जो अप्रोच है इमदाद का, जो भी सर्वाइवर्स हैं उनकी डिग्निटी, उनका एहतराम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे जब आफात आते हैं तो लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं, तो ज़रूरी यह है कि हम क्या करते थे कि एक गांव को इकट्ठा करके तंजीम साजी करके वहाँ उनको खुद कहते थे कि जी ये इमदाद है, अब आप उसमें बांटें। जब आप इनको पैसिव सर्वाइवर्स नहीं तसव्वुर करते मगर एक्टिव आप एक्टर्स बनाते हैं उनकी अपनी बहाली में, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और मैं आपको एक वाक्य बताऊं, हमारे अपने स्टाफ के लोग पूरा वक्त, हम दिन रात काम करते थे, फिर उस वक्त जब ईद का वक्त आया तो हमने सोचा कि चले थोड़ा सा हम रोटेशनल तरीके से दो दो लोगों को छुट्टी दे दे, एक दिन काम को ना रोके मगर दे दे। आप यकीन करें नादिया, लोगों को छुट्टी देते थे ना वो वापस आ जाते थे, क्योंकि एक वो जो बात थी कि जो जज्बा था काम करने का वो इतना ज्यादा था, और हमने इतनी इतना दुख देखा है। एक जो फखर बात कर रहे थे, मुझे याद है खातून हमारे पास आई थी और वो अपने आप से बस बहुत ही डिस्टर्ब थी, और जब उसकी कहानी हमने सुनी तो उसने ये कहा कि उसकी बच्ची जो थी उसका हाथ फंस गया था
उसमें दीवार में जैसे ये बात हुई कि आफ्टर शॉक्स जो है वो जबरदस्त आफ्टर शॉक्स थे और काफी मतलब हाई मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स थे और काफी देर तक आते रहे वहाँ, बिकॉज ये द नेचर जो थी अर्थक्वेक की। अब उसने ये कहा कि बस बाजी मुझे अपनी बच्ची का की उंगली काटनी पड़ी टू टेक हर आउट। अब वो उस बात पे वो अपने आप से को माफ ही नहीं कर पा रही थी। तो मतलब ऐसी बेतहाशा कहानियां हमने सुनी हुई हैं और उनको सुन के बस बंदा कहता था कि इससे बदतर कयामत नहीं हो सकती है। मगर एट द सेम टाइम जो बात यहाँ हो रही है बहुत अहम है कि इस मुश्किल वक्त में भी लोग हमारे इलाके में गांव में आपको पता है जैसे जनाजे पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यकीन करें कि इमीडिएटली अर्थक्वेक के बाद लोग जनाजों पे जा रहे थे ताकि चले वो हमारे साथ हुआ है लेकिन उनका भी एक हाथ है और जो इमदादी चीजें आती थी तो लोग आपस में मिल बैठ के उसको डिवाइड भी कर लेते थे। और रमजान का वक्त है कई दफा हम वहीं पे होते थे और रोजा भी इफ्तार वहीं पे होता था तो कुछ ना कुछ तो इफ्तारी का भी हमें दे देते थे यू नो। तो हम ये सोचते थे कि यू नो वो जो एक सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी खासतौर पे हजारा की मैं बात करूंगी, मैं हजारा में ज्यादा काम किया हुआ है तो जो हजारा वाल की हॉस्पिटैलिटी होती है ना वो ऐसे मौके पर भी गई नहीं। अच्छा एक तो हो गया ना कि जिस वक्त ये तमाम चीजें हुई हैं हाई डेवेस्टेटेड एरिया ये वो सारा कुछ आपने रेस्क्यू किया आपने रिलीफ वर्क किया उसके बाद फिर रिहैब का भी एक प्रोसेस होता है तो उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो चले गए वो तो बहरहाल चले गए लेकिन जो जिंदा है उनको जिंदा रहना है और फिर ऐसे बच्चे जिनकी अजमत को हम सलाम करते हैं वो उसमें कितना मुश्किल था कितना लोगों का इन्वॉल्व। देखिए नादिया बहुत सारे बच्चों की जवानों की एम्पुटेशन हुई क्योंकि ये जो नेचर होता है ना जब आप मलबे से निकाले जाते हैं जब टांग फंसी हो बाजू फंसा हो कोई चीज फंसा हो तो जो जख्म होते हैं उनको अगर ट्रीट ना किया जाए तो फिर एम्पुटेशन करनी पड़ती है। और अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद के बाहर टेंट अस्पताल कायम कर दिए गए थे अगर आपको याद हो तो मुझे वहां से रात को मुझे ये याद है अच्छे तरीके से कि किसी ने फोन किया क्योंकि मेरे फोन पे पता नहीं क्यों एक नेचुरल सी वो लाइन बन गई थी तो किसी ने फोन किया थी मैं यू मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ 14 बच्चे एक स्कूल से हमारे पास आए वो उनके ऊपर स्लैब गिरी थी वो इकट्ठा लाइन में बैठे हुए थे। अब उनकी एक शॉट है एक इंजेक्शन है उसका उसको AIG कहते हैं एंटी इम्यूनोग्लोबिन शॉट नॉट एंटी टेटनस एंटी इम्यूनोग्लोबिन अगर वो सही टाइम पे एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो एम्पुटेशन से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा ये 14 बच्चों को अगर ये AIG शॉट्स मिल जाए अब आज अगले 4-6 घंटे के अंदर तो हम इनको एम्पुटेशन से बचा सकते हैं। अब मैंने वो चूंकि सारे वॉलंटियर्स मेरे साथ काम कर रहे थे लोग के यहां बताएं हमें क्या जरूरत है तो जो मैंने बोला तो वो शॉट वैसे वो 2200 रुपए का इंजेक्शन है वो अगले 14,000 रुपए के बेच रहे थे कि जी ये 2200 का इंजेक्शन है नहीं इसकी डिमांड बढ़ी है तो 14,000 का। तो मुझे याद है कि एक बुजुर्ग अंकल थे रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था वो गए रातों को उन्होंने 2-3 उसी वक्त जब उन्होंने कहा मैं भी ढूंढता हूँ वो गए वहां से वो ड्राइव करके पहुंचे एबटाबाद और उन्होंने कहा जी मुझे बताएं किसको देना है। उन्होंने बंदा लोकेट किया उसको वो 14 टीके दिए उन्होंने उस 14 बच्चों को बचाया। फिर जब मैं पहुंचा एबटाबाद तो वहां पर बाहर एक जगह पे अंबार लगा हुआ था कटी हुई लातों का और हाथों का और टांगों एक अंबार एक होता ना कि 2-4 पड़ी हो एक अंबार लगा हुआ था। मैं ये क्या होगा एम्पुटेशन होनी है क्योंकि गैंग्रीन हो गई है जो निकल के आ रहा है अभी गैंग्रीन हो गई है एम्पुटेशन हो रही है। तो फिर जो रिहैब के अंदर एक चैलेंज था ये पाकिस्तान में प्रोस्थेटिक्स उस लेवल के नहीं मिलते और खासतौर पर ग्रोथ के साथ साथ नहीं मिलते। वो एक बच्चे को लग जाता है एक प्रोस्थेटिक अब वो बस लग गया और प्रोस्थेटिक बड़े महंगे होते हैं यू नो यू कांट अफोर्ड। तो हमारे चैलेंजेस बड़े वो थे लेकिन देखिए इस कॉम के चैलेंजेस हमेशा से थे इस ट्रेजेडी से तो ये चैलेंजेस निकले ना। और फिर इस तरह की आपके पास जो है ना वो आती है। अब उन्होंने कितनी जबरदस्त बात की आपको जब आप चैरिटी भी करते हैं ना उसमें भी आपको बड़े केयरफुली चलना होता है कि आप उस अगले की डिग्निटी को ना हर्ट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसी चीज है इतने बड़े ट्रॉमे से निकलने के लिए जिस ट्रॉमे से ये गुजरे उस वक्त बच्चा था ना ये इसकी इमारत गिर गई है स्कूल की बच्चे अंदर से चीखे मार रहे हैं जो आया जलजला तो लोगों ने छलांगे मार दी। कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा मैं तो उस ट्रॉमे से आज तक नहीं निकल सका कि जब मैंने डेड बॉडी शुरू में निकालनी शुरू की 15वें 16वें दिन मैं उस ट्रॉमे से आज तक नहीं निकल सका। आई डोंट नो हाउ ही यू नो कम दिस फार सो यू नो वी मस्ट बट ये हमारी कॉम की रिजिलियंस है
कि इतने सारे मुश्किलात के बावजूद भी, इतनी मार खाने के बावजूद भी हम जो है वो खड़े तो हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अगेन बड़ी अजीम कौम है। बार बार 2005 का जलजला, 65 की जंग हो जाए, 71 की जंग हो जाए, ये आपको बताऊं लोगों को ये बात नहीं पता, और बहुत सारी बातें पता नहीं क्यों लोग बताते नहीं है। इस बात को भी सुनिए, जब ये एंटी इम्यूनोग्लोबिन का मसला मुझे समझ में आ गया तो मुझे पता चला कि ये पहुंचाने, आपको पता है कि अब वो पहुंचाने कुछ इलाकों में आप 16 घंटे की ड्राइव पे भी नहीं पहुंच पाते, फिर लैंडस्लाइडिंग हुई थी बीच में, रोडें बंद हुई थी। आपको पता है कि ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं लोगों को, 6th स्क्वाड्रन पाकिस्तान आर्मी एविएशन का, 27th स्क्वाड्रन पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बिग बर्ड्स का, MI-17 जो ये हुईज वगैरह सारे के सारे, मैं खुद एविएटर हूं, पहाड़ों के अंदर रात को हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग या जहाज की फ्लाइंग जो है वो बेसिकली सुसाइड है, वो बेसिकली अपने आप को खुद मरवाने वाली बात है। जब ये बताता था मैं कहता था सर ये अभी रातों रात पहुंच रहे हैं, अगर बच्चों को नहीं लगे तो टांगे कटी, कहते थे बस आप देख, ये रात की सोटीज करते थे, मिशन करते थे ये पायलट जिनके पास लिमिटेड नाइट विजन का इक्विपमेंट होता था, अपनी जान के ऊपर खेल के यार पता नहीं कुछ बच्चों को जहां पहुंचा दें किसी तरीके से। ये वो हीरोज हैं अनसंग आपके, और एक नहीं हजारों की तादाद में उनके, मैं बहुत सारी चीजें जो शायद बता नहीं सकता जो कि बताने वाली हैं, जो हीरोज की दास्तानें हैं जो मैं आप बताना चाहता हूं, बट आई बाउंड यू नो नॉट टू एक्सप्लेन, बट ये फ्लाई किए हैं मिशन हमारे हेलीकॉप्टर्स के अंदर, और हमारे हेलीकॉप्टर्स माजद के साथ पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी वो इनके ऊपर वो एडवांसमेंट नहीं है नेविगेशन की। आपको याद हो एक टेंट विलेज में आग लग गई थी, रात को वहां से बच्चे निकालने थे जो जल गए थे जिंदा टेंट को, एक को आग लगी, रस्ते जुड़े हुए थे, वो पूरा विलेज एक साइड से उड़ गया था बालाकोट के करीब, रात को वहां से बच्चे निकालने थे, यहां लाने थे आर्मी रावलपिंडी आर्मी मेडिकल आर्मी हॉस्पिटल के लिए पहुंचाना था CMH के लिए, रात के मिशन उड़ाए उन्होंने फिर पहाड़ों के अंदर। आपको याद होगा कि MI-17 हमने लूज भी किया, तो ये तो वो टाइम था कि हम एक बहसियत कौम हम एक ऐसे चैलेंज से गुजर के यहां तक आ गए, ये भी आ गए, आज टाइकूंडो की चैंपियन भी मिल गई हमें। बट मेरा एक चीज है, इतनी कुर्बानियां देते हैं, इतना जबरदस्त जज्बा है, तो आज के दिन उन चीजों को याद करते हुए ये रिजॉल्व करें कि यार एक अजीम कौम है हम, इकट्ठा हो जाते, मुश्किल आती है इकट्ठा हो जाते, अजीब सी बात नहीं है, लड़ते रहेंगे एक दूसरे को गालियां देंगे, ताने देंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, और किसके लिए उतरेंगे, इसलिए उतरेंगे क्यों, क्योंकि यार सियासी नजरिया मेरा तो आपसे इख्तलाफ यूं है कि जो मेरा लीडर है वो ये कह रहा है और आपका लीडर तो है ही ये, तो मतलब मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दुश्मनियां पाल लेते हैं, दुश्मनियां होनी नहीं, हम तो एक है ना। मैं एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी आज ही की बात है, मैंने वो पढ़ी है, कहते हैं अगर आप जाकर ना रेड फायर एंट होती है, एक चूंटी होती है रेड एंट, 100-150 चूंटियां पकड़े, और एक ये जो बड़ी वाली काली चूंटी होती है चूंटा जिसे हम कहते हैं उनको ले, और ये जो अचार की बोतल नहीं होती, जार होता है इतना सा, आप उनको उसके अंदर डाल दें और डाल के ना टेबल पे बिल्कुल स्टिल छोड़ दें, वो बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट करेंगी सारी चूंटियां, बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट करेंगे। उस अचार के डब्बे को पकड़े और यूं यूं करके हिला के रख दे, वो एक दूसरे को मार देती है सारी की सारी, जब वो हिलता है ना सब कुछ, तो असल में वो आपस में तो दुश्मन नहीं होती जब तक बाहर से एक आके यूं यूं करके नहीं हिला देता और उनको आपस में लड़ाने पर मजबूर कर देता है कि एक दूसरे को कर देती है। तो मेरी इल्तिजा है कि इंतजार मत करो कि परवरदिगार जो है फिर से धरती को हिलाए ताकि आप सबकी कौमियत और आपका जमीर जाग सके, खुद ही जाग जाओ, खुद ही एक हो जाओ, और ये जो छोटी छोटी आपस की खलिश है वो है, इससे ऊपर होके सोचो कि अगर एक होके चलेंगे तो फिर कितनी अजीम कौम है। बेशक पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको एक्सट्रीम पर ले जाना और पर्सनल लेवल पर ले जाना वो फिर हमारी तबाही है, बुराई नहीं है तबाही है। और इनसे अभी तक की आपकी अचीवमेंट, आगे क्या सोचा है? मैम इसके बाद हायर एजुकेशन इंशाल्लाह एमफिल करना है, उसके बाद PhD करनी है। वाओ माशाल्लाह। तो मैं एक चीज अमेंड करना चाहूंगा कि सर बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये कौम है और मुश्किल वक्त में खड़े हो जाते हैं, हम साथ हो जाते हैं। हमें एक चीज पाकिस्तान में, बीइंग अ मीडिया पर्सन में ये बात कर रहा हूँ कि हमें एक चीज पाकिस्तान में देखनी चाहिए कि हमें किसी आफत का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी आफत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पाकिस्तान में देखना चाहिए, अभी भी बच्चे हैं,
अभी भी दूर दराज इलाकों में बच्चे हैं जो तालीम से तालीम हासिल नहीं कर सकते। बहुत सही आपने बात की, अभी तालीम को आम करना है, जिस दिन तालीम को आम करेंगे मेरा ख्याल 70-80% हम ये इंतजार नहीं कर सकते कोई और जलजला आएगा तो हमारा जमीन जागेगा। हमें हर रोज सुबह उठ के ये चीज देखनी चाहिए कि क्या कोई बच्चा आज स्कूल जाने से कासर तो नहीं रहा, शूज की वजह से एक एक बच्चे की जिम्मेदारी जरूर जरूर सही बात। और डेफिनेटली इफ्तिखार साहब ने बहुत काम किया है, खुबैब फाउंडेशन ने तो एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल सही है, टाइम थोड़ा सा कम है, आपने क्या आगे की क्या फ्यूचर प्लान किया है? मैं इंशाल्लाह आगे उम्मत मुसलमा की हिम्मत करूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि हमने यही सीखा और हमें यही सिखाया गया है, हम पे जो वक्त गुजरा है उसे हमने यही सीखा है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि हम जैसे लाखों बच्चे जो अब पाकिस्तान में वो जो वक्त हम पे गुजरा उनसे ना गुजरे, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा स्कूल जाए, हमारी तरफ पढ़े लिखे आगे बढ़े और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बने, सब बच्चे कामयाब हो और हम सब मिलकर इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर अपने मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएं। नेशनल चैंपियन है आप 3 साल वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद ओलंपिक चैंपियन भी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और जी आप अच्छा अब इस गुफ्तगू को समेटते हैं, मेरा ख्याल है जो हम कंक्लूजन जो इस है या कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि एक तो एक कौम की तो बात हो रही है, साथ की बात हो रही है, डिफरेंस खत्म करने की बात हो रही है, उसके साथ एजुकेशन की बात, क्योंकि ये हमारे सामने तालीम नहीं है तो मेरा ख्याल है आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। बहुत अच्छी बात, रिहैब के साथ तालीम की जरूरत क्या करें उसके? नादिया ये बहुत अहम बात आपने कही है, देखिये हम तो जलजले से पहले भी इस इलाके में काम कर रहे थे, जैसे मैंने कहा 1989 से मैं वहाँ और आज भी हम उधर हैं और वाकई बहुत खुशी होती आसिया जैसी बच्चियों को देखना, मगर मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ स्कूल अभी तक नहीं बने हैं और ये मैं आपको गवर्नमेंट डेटा बताती हूँ जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि जो उन्होंने 5,722 स्कूल बनाने थे उसमें से 15 सालों में सिर्फ 60% बने हैं। इसका ये मतलब है कि 40% स्कूल जो है वो अब भी नहीं बने। तो अगर ऐसा है तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इन पे जोर देना है कि जो भी नहीं बने हैं वो जल्दी से बने, और अगर आप पेस को देखें कि इसी पेस पे अगर काम किया जाए तो इनको मजीद 19 साल लगेंगे मुकम्मल होने में, तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और हमें जल्द अज जल्द स्कूलों को बनाना चाहिए ताकि वहीं पे जहां लोग हैं अपनी तालीम को। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ माशाल्लाह से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये वजह इनकी तालीम है और इनकी तरबियत है। तो आप लोगों को भी सलाम और आपके वालिदैन को भी सलाम, और जो आपके सरों पे आपके वालिदैन अगर आपके फादर या आपके वालिद नहीं रहे तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी दुआएं उनके साथ है। बहुत शुक्रिया फखर आपका प्रोग्राम में टाइम लेने का, औरंगजेब आपका भी, आसिया आपका भी, और इन दुआओं के साथ कि जो आप लोगों ने सोचा है अल्लाह ताला आपको उनमें तमाम कामयाबियां अता करे। राजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो खिदमतें आप लोग कर रहे हैं, आप हम इस कौम को आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं आखिर में सिर्फ इस नोट के साथ कि इन तमाम चीजों से जो सीखा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ फिर रिपीट करूंगी, बच्चे बैठे हैं उसके पीछे वो तालीम है जो हम मिस करते हैं, वो हमारे बच्चे जो आज भी तालीम याफ्ता नहीं है, वो हमारे वो बाअसर शख्सियात जो तालीम को आम नहीं होने देती, क्योंकि अगर तालीम को आम कर दिया तो आगे जी हुजूरी करने वाले शायद कम हो जाएंगे, तो ये सोच को जरा कैनवस को ब्रॉड करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नादिर मिर्ज़ा को, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।